हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं एक फ़ोटो सेशन करने, फ़ोटो शूट करने, और बहुत देर से हम वेट कर रहे थे कि बारिश रुके और हम फ़ोटो शूट करें। तो गाइस, फाइनली बारिश रुक चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं एक फ़ोटो सेशन के लिए। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। रोड पर फ़ोटो शूट करने वाले हैं, तो गाइस वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को फ़ोटो शूट कैसे करते हैं हम, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी, और बहुत मज़े आने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं कि किस लोकेशन पर जाएँ। तो फाइनली गाइस, पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर और हमारी आज की लोकेशन ये होने वाली है। कुछ मैं आपको मिलवा देता हूं अपने दोनों मॉडल से, ये हमारे मॉडल और एक हमारे ये मॉडल, और इन दोनों मॉडल में से एक मॉडल जो है वो अभी करने वाले हैं हमारा व्लॉग शूट, क्योंकि मैं तो करने वाला हूँ फ़ोटो शूट। तो आप लोग देखते रहेंगे एंड अभी हम जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा शूट करा जाए, किस टाइप का पोज लिया जाए। तो गाइस, अभी एक भैया जो हैं ये साइकिल से आ रहे हैं, इनकी साइकिल में कुछ हो गया है, क्यों ना इस साइकिल पे ही फ़ोटो शूट किया जाए। तो गाइस, अभी हम क्या हो गया भैया, हैं भैया ब्रेक ख़राब हो गया, निकल गया। अरे ब्रेक निकल गया भैया का। तो गाइस, भैया का तो ब्रेक निकल गया है, अभी ब्रेक लगा रहे हैं। भैया फ़ोटो शूट करेंगे हम, तो क्या साइकिल मिल जाएगी आपकी? मिल जाएगी साइकिल। तो गाइस, भैया ने तो साइकिल दी है फोटो शूट के लिए, तो अभी हम एक दो न्यू पोज बनाते हैं, आप लोग को देखने को मिलेंगे। आ जाओ भैया, ज़रा इधर लगाते हैं, अभी रोड पे थोड़ा सन्नाटा भी हो गया है, जल्दी से लगाते हैं। तो फाइनली गाइस, कैमरा जो हम यूज़ करने वाले हैं आज के शूट में, वो निकॉन का Z50 कैमरा यूज़ करने वाले हैं, और जो हम लेंस यूज़ करने वाले हैं वो लेंस हमारा जो है वो 50-250 लेंस यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस, अभी हम पावर लगा लेते हैं। तो गाइस, आज के जितने भी फ़ोटो हम क्लिक करेंगे वो फ़ोटो क्लिक बाय क्लिक आपको इस वीडियो में देखने को मिलते रहेंगे। गाइस, अगर आपको मेरे फ़ोटो शूट देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर वहां पर मेरी पोस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो चेकआउट ज़रूर करें। तो गाइस, अभी साइकिल तो हो चुकी है क्रैश और हमने अपने मॉडल को भी बिठा दिया है। तो अभी गाइस, अभी पोज के लिए जो है, तो गाइस जो मैंने पोज बताए हैं अपने मॉडल को, उस पोज में मेरे मॉडल बैठ चुके हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और जो बैकग्राउंड आने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग बैकग्राउंड ब्लर आने वाला है और बहुत ही अच्छी फ़ोटो आने वाली है। और गाइस, कार आ गई तो हमें साइकिल हटाना पड़ी, तो साइकिल लग गई है और मॉडल है हमारे फ़ोटो के लिए तैयार। तो गाइस, हम जो आज की सेटिंग रखने वाले हैं, तो मैं तो अपनी सेटिंग अपने वेदर के अकॉर्डिंग रखने वाला हूं, तो आप अपनी ISO को अपने वेदर के हिसाब से सेट कर लें, और ये ISO मैं अपने वेदर के हिसाब से सेट कर रहा हूं, आप भी अपने वेदर के हिसाब से करें, और अपर्चर को जितना कम से कम रखेंगे उतना ही अच्छा ब्लर आपकी फ़ोटो में देखने को मिलेगा।
तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना ब्लरी बैकग्राउंड दिख रहा है और कितना शार्प फोटो आ रहा है। गाइस पोज चेंज कर। साइकिल शूट तो हो गया है और भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। फाइनली गाइज हम लोगों का शूट कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत मेहनत लगा है वीडियो को शूट करने में। एंड गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को नहीं फॉलो किया है तो जाकर के फॉलो कर लें। आप लोगों को वहां पर यूनिक पोस्ट ट्रिक मिलती रहेंगी फ़ोटो शूट के लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।